जोधपुर NH 322 पर शराब से लदे अनियंत्रित गाड़ी से एक्सीडेंट होने से एक व्यक्ति की मृत्यु। वैशाली, राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के विदुपुर प्रखंड के मझौली गांव निवासी मनीष कुमार का NH 322 पर शराब से लदे अनियंत्रित गाड़ी से एक्सीडेंट होने जाने से मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही राजीव रंजन राजद के युवा प्रदेश महासचिव राजीव रंजन ने घटनास्थल पर पहुंचे और सरकार से मुआवजा देने की मांग की। और शराबबंदी के बाद भी शराब की कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसलिए नीतीश कुमार से इस्तीफा देने की मांग की। और ये जहाँ पर हम लोग अभी खड़े हैं, जहाँ घटना हुआ है, ये मझौली गांव पड़ता है। और देख लीजिए जिस तरह का नीतीश कुमार जी लगातार बोलते हैं कि शराबबंदी हमारा सफल है, और हमारा नेता तेजस्वी यादव लगातार सदन से लेकर के रोड पर बोलने का काम करते हैं कि शराबबंदी बंद हो गई। जो दशा है अभी देख रहे हैं कि यहाँ का जो लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, उस एक्सीडेंट कोई ट्रक और कोई जो है ट्रैक्टर से नहीं हुआ। जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है उसमें फुल गाड़ी में जो है कि शराब हो गया और वो ले करके जो है कि पूरा पिकअप में भाग रहा है और बगल में उस आदमी खड़ा था और उसको रौंद दिया गया। तो आप देख लीजिए ना कि क्या हाल है। और प्रशासन का गाड़ी आ गया और आप देख लीजिए ना, खुद देख करके कैमरा से देखिए कि आज इस गरीब की जो मौत हो गया और पूरे जो चलाने वाला भी था वो पूरे नशा में था और गाड़ी पर नशे के अलावे पूरे गाड़ी पर अभी आप देख लीजिए है किस तरह का शराबबंदी है। आज आप 322 NH की बात कीजिए, आज NH पर लोग पूरे भरा हुआ गाड़ी से एक्सीडेंट, शराब की गाड़ी से मौत हो रहा है और सरकार जो है चुपचाप नींद में सोए हुए है। इसलिए आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि कहीं किसी तरह का नहीं है, कोई शराबबंदी नहीं है। हमारा नेता सदन से लेकर के सड़क तक तेजस्वी जी ने इस मुद्दा को उठाते हैं, झांकते आज क्या हुआ। आज नीतीश कुमार जी को आकर देखना चाहिए ना, अभी कहाँ है उनके प्रशासन, अभी उनका DM कहाँ है, उनके SP कहाँ है, उनके मंत्री कहाँ है, उनके प्रभारी मंत्री कहाँ है, जो बोलने का काम करते हैं कि नहीं जो पूरी तरह से हमारा शराबबंदी है। उनको तो यहाँ आना चाहिए ना, जो गाड़ी है ना उसमें बोरा गिन लेते ना कि कितने बोरे में शराब है और मारने वाला का नशा का हालत आकर के देख ले। इसलिए निश्चित रूप से यह प्रशासन से लेकर और सरकार तक मिली भगत है और यहाँ मिली भगत के कारण हजारों ऐसे मौत हो रहा है।